नाइन्थ के फिजिक्स का पार्ट 55 है, मोशन चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 14। इससे पहले 13 प्रॉब्लम्स हो चुका है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कहता है। समीर बस द्वारा घर से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पाता है और उसी रास्ते से बस द्वारा घर लौटने के समय औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। समीर की पूरी यात्रा में बस की औसत चाल क्या है? चलो यहाँ ध्यान दो, मान लो ए और ये हो गया बी, ये हो गया समीर का घर और ये हो गया समीर का स्कूल। तो समीर बस द्वारा घर से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। यहीं तक आओ, ये घर है ये स्कूल है, तो ए से बी तक घर से स्कूल गया तो औसत चाल इसका कितना था? 20 किलोमीटर प्रति घंटा ए से बी तक। तो इसका अर्थ ये हुआ, औसत चाल दिया हुआ है ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना समय लगा ये नहीं दिया हुआ है स्कूल जाने में, और कितनी दूरी तय की ये भी नहीं दिया हुआ है। तो मान लेते हैं ए से बी तक घर से स्कूल तक की दूरी, दूरी को हम लोग हमेशा एस से व्यक्त करेंगे, एस से एस से दूरी को भी व्यक्त किया जाता है, भी से वेग भी, समझा, और चाल दोनों को व्यक्त किया जाता है। तो जो नहीं दिया है इसको हम लोग मान लिए हैं, ए से बी तक घर से स्कूल, माना कि घर ए से स्कूल बी की दूरी एस है, ए से बी की दूरी एस है, तथा ए से बी तक जाने में लगा समय टी वन है, ए से बी तक टी वन समय में गया, टी वन का मान कुछ भी हो सकता है घंटा में, बी से ए तक आने में इसको टी टू समय लगा, सिर्फ औसत चाल दिया हुआ है। तो ए से बी तक जाने में लगा समय इसमें क्या होगा बोलो तो? जैसे होता है ना, दूरी बराबर चाल गुने समय, देखो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो समय को हम लोग रखेंगे तो दूरी, ये चाल यहाँ आ जाएगा दूरी बटा चाल। तो ए से बी तक जाने में लगा समय, ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी, ये चाल यहाँ आ जाएगा ना, होगा समय बराबर दूरी बटा चाल। इसके अनुसार सेटिंग करेंगे तो दूरी बटा चाल टी वन बराबर, अब दूरी दिया हुआ है ए से बी तक की दूरी हम लोग माने हैं ना, एस माने हैं, तो ये हो गया एस, और चाल कितना है? 20 किलोमीटर, चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एस किलोमीटर, एस मीटर में दूरी, मीटर की इंच की किलोमीटर, तो हम लोग माने हैं, माना कि घर ए से स्कूल बी तक की दूरी एस किलोमीटर, यूनिट में कुछ तो देना होगा, तो दूरी हो गया एस किलोमीटर, चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 चाल और औसत चाल एक ही होता है ना? हाँ, औसत चाल में कुल दूरी जोड़ देना है, कुल समय इसको तुम लोग को बतलाए थे, नहीं चाल औसत चाल में अंतर है। हाँ, तो अभी आप चाल बराबर 20 किलोमीटर बराबर लिखे हैं, वहाँ पर औसत चाल है 20 किलोमीटर पर। अब देखो, मान लो ये ए है ये बी है, ठीक है, साधारण चाल भी औसत चाल होता है, और औसत चाल वास्तव में होता क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो 20 किलोमीटर की दूरी है, एक घंटा टाइम लगा ए से बी तक किसी को जाने में, तो ये सोचो तो 60 मिनट में ए से बी तक गया है, तो हो सकता है पहला 5 मिनट में यहाँ तक आया, रोड फ्री है तो तेज गति से आया पहला 5 मिनट में, इसके बाद इधर जाम है तो यहाँ पर उसका चाल घट गया, यहाँ से यहाँ तक ए से सी तक मान लो ये है तुमको 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर आने में इसको मान लेते हैं 15 मिनट लगा, और सी से डी तक है ये 10 किलोमीटर, ये जाम में फंस गया,
समझा, तो इसको लग गया तुमको 40 मिनट, और फिर सी से बी तक आ गया मात्र 5 मिनट में, ये हो गया तुमको 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, 10 और 5 15, और ये बच गया 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर 5 मिनट में आ गया। तो हम लोग ये न देखेंगे जो 15 मिनट और 40 मिनट, 55 मिनट और 5 मिनट, 60 मिनट में कुल कितना दूरी तय किया, अलग अलग समय खंड में, अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय किया, क्या ना? और तब हम लोग प्रति घंटा पर निकालेंगे, एक समान चाल से यहाँ तक नहीं पहुँचा, चाल बीच में बदलता गया, लेकिन प्रति घंटा के हिसाब से जब निकालेंगे तो पता चला जो 20 किलोमीटर एक घंटा में दूरी तय किया 60 मिनट में, यानी एक घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय किया, ये एक घंटा है, कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन छोटे छोटे एक घंटा के छोटे छोटे समय खंड में चाल बदलती गई। तो इसलिए औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल, औसत चाल का अर्थ हो गया तय की गई कुल दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक अलग समय में, यहाँ से यहाँ तक अलग समय में, यहाँ से यहाँ तक अलग समय में, तो दूरी भी अलग अलग हो गया, टोटल दूरी जोड़ करके 20 किलोमीटर हुआ, टोटल समय जोड़ करके एक घंटा हुआ, तो कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल हो गया, हाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, और कुल तय की गई कुल दूरी में समय लगा होगा, तो दूरी तय करने में लगा हुआ कुल समय। अब तय की गई कुल दूरी यहाँ ए से सी तक, सी से मान लो ये बिंदु डी मान लेते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कुल दूरी ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, ये कुल दूरी हो गया, दूरी तय करने में लगा कुल समय। तो ए से सी तक जाने में मान लो टी वन लगा, सी से डी तक में टी टू, डी से बी तक में टी थ्री, तो क्या होगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री होगा। ए सी, ए से सी तक को मान लो एस वन, और फिर सी से डी तक अलग दूरी है, इसको मान लो एस टू, और डी से बी तक मान लो एस थ्री, तो एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री बटा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री होगा औसत चाल। चाल को भी से व्यक्त करते हैं, औसत का इंग्लिश एवरेज, तो यहाँ ए भी लिख दो। अब इस पर ध्यान दो, तो कोई भी चाल मैक्सिमम 100% केस नहीं, मतलब मैक्सिमम केस में औसत चाल ही होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी कोई सवारी गाड़ी जाती है तो एक समान चाल से कब चलती है, जब रोड बिल्कुल फ्री होता है, जैसे ट्रेन, ट्रेन एक निश्चित दिशा में जा रही है, तो औसत वेग शुरू से अंत तक समान वेग रहा। चाल में दिशा फिक्स नहीं होता है, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करती है। यहाँ पर ये चाल, सिर्फ चाल बराबर फार्मूला दूरी बटा समय जो हम लोग लिखते हैं, तो ये चाल वास्तव में क्या है, चाल बराबर जैसे होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ पर दूरी अलग अलग खंड में कुल दूरी को हम लोग जोड़े हैं एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री, तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, कितना दूरी तय किया, अलग अलग दूरी तय करने में लगा समय, तो ये फार्मूला होता है। अब कहोगे एक ट्रेन एक समान चाल से चल रही है, चाल और औसत चाल कब एक समान है? एक समान नहीं होता है, लेकिन औसत चाल समझ गया ना, तय की गई कुल दूरी में दूरी तय करने में लगा हुआ समय से भाग दे देंगे तो औसत चाल निकल जाएगा। तू लोग इसको समझा, तो यहाँ पर ये टी वन यानी समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, तो ये देखो ये हो गया एस किलोमीटर बटा 20 किलोमीटर, फिर बटा में एच है ना, इसको हल करोगे एस किलोमीटर बटा 20 किलोमीटर,
ये ए बटा बी बटा सी के रूप में है तो एच ऊपर जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, तो इसीलिए टी वन बराबर हो गया एस बटा बीस, ये एच, इसको समझा। ये टी वन क्या है, ए से बी तक जाने में लगा समय, ए से बी तक जाने में लगा समय, टी वन बराबर एस बाय बीस एच, एच हो गया घंटा, एस हो गया डिस्टेंस। पुनः हम लोग बी से ए तक आने में लगा समय कितना है, पुनः बी से ए तक आने में लगा समय, इसको हम लोग बी से ए तक आने में लगा समय को क्या माने हैं, टी टू, टी टू। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, तो ये दूरी बटा चाल और टी टू, दूरी कितना, बी से ए तक भी एस किलोमीटर है, तो एस किलोमीटर, चाल कितना है बी से ए तक 30 किलोमीटर, घर लौटने के समय औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, कट जाएगा ना, ये ए ए बटा बी बटा सी के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा एस बटा 30 एच, टी टू बराबर एस बटा 30 एच, ये हो गया समीकरण दो। बोलो इतनी बात को तू लोग समझा, फिर एक बार देख लो तो समझ गया, समझ गया तो चलो इतना को उतारो। तो ए से बी तक लगा समय टी वन है, टी वन का मान निकल चुका है, अब बी से ए तक आने में कितना समय लगा, टी टू, जिसका वैल्यू निकल चुका है। अब समीर के घर से स्कूल जाने तक एवं स्कूल से घर तक आने में कुल कितना समय लगा, ये निकालेंगे। अब समीर को ए से बी तक यानी घर से स्कूल तक तथा बी से ए तक यानी स्कूल से घर तक आने में लगा समय, तो टी वन समय लगा जाने में, टी वन समय लगा आने में, तो टी वन प्लस टी टू लगेगा। पुनः समीर द्वारा ए से बी तक एवं बी से ए तक तय की गई दूरी कितना होगा, बोलो तो ए से बी तक यानी घर से स्कूल तक एवं स्कूल से घर तक आने में तय की गई दूरी कितना होगा, तो ये दूरी है तुमको एस किलोमीटर, तो एस किलोमीटर, एस किलोमीटर यानी टू एस किलोमीटर होगा। पुनः समीर के द्वारा तय की गई कुल दूरी ए से बी तक, ए से बी तक जोर बी से ए तक, बी से ए तक यानी ए से बी तक भी एस किलोमीटर, बी से ए तक भी एस किलोमीटर ही है, तो एस किलोमीटर प्लस एस किलोमीटर बराबर टू एस किलोमीटर, इसको समझा। इसलिए टी वन प्लस टी टू को हम लोग जोड़ेंगे, इतना समय लगा, इतना दूरी ए से बी तक तथा बी से ए तक आने में लगा समय मान लेते हैं टी है, तो टी बराबर टी वन प्लस टी टू, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में कुल समय मान लो टी है, तो टी कितने के बराबर हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में टी वन, यहाँ से यहाँ तक जाने आने में टी टू, तो टी बराबर टी वन प्लस टी टू होगा। अब पहले इसका मान हम लोग निकाल ले, चूँकि टी बराबर टी वन प्लस टी टू, टी वन का वैल्यू देखो समीकरण एक में कितना है एस बटा बीस एच, जोर टी टू कितना है समीकरण दो में एस बटा तीस एच, इसको हल करके हो जाएगा तुमको, लघुत्तम लेंगे बीस और तीस का लघुत्तम 60 होगा, 3s प्लस 2s 5s हो गया बटा 60 एस बटा 12 एक 12 यानी एस बटा 12 हुआ, समझा। अब हाँ एच भी है, एच एच को मान लो कॉमन ले लिए हैं, तो एच बाहर एच को कॉमन ले लो, मान लो एच कॉमन ले लिए तो फिर एच से गुना हो जाएगा। अब औसत चाल बराबर फार्मूला से औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय यानी कुल समय, इसमें अब मान भर देना है, तो मान जो भरना है औसत चाल को हम लोग ये
एक चीज याद रखना, भी का प्रयोग वेग के लिए भी होता है और चाल के लिए भी। तो औसत चाल बराबर हम लोगों को निकला है एस एच बटा 12 निकला है ना, यानी औसत चाल एवरेज ए भी तय की गई कुल दूरी मतलब एस बटा 12 एच निकला है। तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय, तय की गई कुल दूरी कितना है एस जोड़ एस 2s है, तो 2s बटा कुल समय, कुल समय t का मान निकला है तुमको एस एच बटा 12, एस एच बटा 12 निकला है। इसको हल करोगे 2s बटा एस एच ए बटा बी बटा सी में 12 ऊपर चला जाएगा, एस एस कट गया 12 दूनी 24, एस 2s किलोमीटर, सॉरी एस को किलोमीटर में लिया है ना, 2s किलोमीटर गुने ये 12 ऊपर चला जाएगा, एस एस कट गया तो ये हो गया 12 दूनी 24 किलोमीटर बटा एच, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज चाल। कहाँ शंका है बोलो तो, है कहीं? ये याद रखना औसत चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, और जब ये औसत चाल है तो अलग अलग समय खंड में अलग अलग दूरी तय की जाती है, तो टोटल दूरी को जोड़ दो, अलग अलग समय खंड में तो सभी समय को जोड़ दो, दूरी में समय से भाग दे दो तो औसत चाल निकल जाएगा। ये पीछे वाला एक बार रिवाइज कर लेना, औसत चाल कहते हैं किसको, तो अलग अलग समय खंड में अलग अलग जो दूरी तय की जाती है तो कुल दूरी को जोड़ने पर और कुल दूरी तय करने में जो समय लिया उससे भाग देने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे औसत चाल कहते हैं। सिर्फ चाल किसे कहेंगे, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। औसत चाल भी इकाई समय में ही तय की जाती है, इकाई समय में निकाला जाता है, लेकिन जब ये औसत हो गया तो जितना दूरी तय किया अलग अलग समय में टोटल दूरी को जोड़ दो, अलग अलग समय को जोड़ दोगे तो दूरी में जोड़े हुए दूरी में जोड़े हुए समय से भाग दे दोगे तो औसत चाल निकल जाएगा। समझा? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको उतार करके इसको उतार लेना है, ये अलग ही पार्ट में 15 पढ़ना।